बात करें तो मोटरोला है ना, उसने अपने रेजर कट फोल्डेबल फोन को रिलीज कर दिया। अब सच बता रहा हूँ, देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। मतलब अगर इमेजेस, डेमो वीडियोस, काफी सारी वीडियोस अगर आप देखो ना, देखने में मतलब जो कंसेप्ट बनाया ना वो काफी ज्यादा कमाल का है। मतलब कि अगर हम देखें तो उसको फ्लिप फोन के तरीके से, जैसे पुराने मोटो रेजर के अंदर फ्लिप फोन में जो फील आता था ना, ठीक वैसा ही फील आता है। और इसके अंदर आपको 6.2 इंच का एक फ्लेक्सिबल ओएलईडी डिस्प्ले देखने को मिलता है और एस्पेक्ट रेशियो इसका 21:9, और इसे कहा है उन्होंने सिनेमा विजन डिस्प्ले, और सामने की तरफ एक छोटा सा डिस्प्ले उन्होंने लगा दिया। लेकिन बात अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो देखने में, सुनने में, दिखाने में, शो ऑफ करने में काफी ज्यादा है, लेकिन रियलिटी में बात करें तो मेरे को जो है ना, ये जो फ्लेक्सिबल फोन या फिर ये जो कॉन्सेप्ट जो मोटोरोला ने इंप्लीमेंट किया, ये इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है। मतलब कि अगर हम ओवरऑल इस फोन को देखें, डिजाइन वाइज नो डाउट देखने में काफी ज्यादा कूल है, फ्लिप फोन कूल है, लेकिन सामने की तरफ जो पहली बात तो जो डिस्प्ले दिए ना, वो थोड़ा सा छोटा दिया। मतलब कि वो सिर्फ नोटिफिकेशन वगैरह देख सकते हो, सेल्फीज वगैरह लेनी उस कैमरा से तो वो आप ले सकते हो। लेकिन वही बात करें, अगर आपको पूरे फोन को यूज करना तो हमेशा आपको फोल्डेबल स्क्रीन का ही यूज करना पड़ेगा, और अभी हमें पता है कि जो फोल्डेबल स्क्रीन है ना वो इतनी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है। मतलब कि ये है कि अगर फोल्डेबल फोन अगर बना रहे थे तो ऑब्वियसली उन्होंने काफी एक अच्छा काम किया। देख मतलब जो डिजाइन वाइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगर मैं यूजेबिलिटी फीचर के हिसाब से देखूँ ना तो ये उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगता। मतलब कि आपको हमेशा फोल्डेबल इस फोन को ही यूज करना पड़ेगा, और डेफिनेटली अगर बात करें तो इस 6.2 इंच की स्क्रीन में फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होके कुछ 3.3 या मतलब छोटा सा फोन बन जाएगा जिसे आप पॉकेट में आसानी से डाल सकते हो। लेकिन ये एग्जैक्टली कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। मतलब कि ये वाला जो काम है ना, 6.2 इंच का एक नॉर्मल स्क्रीन का भी फोन ले सकते हो, नॉर्मल पॉकेट्स में भी उसे यूज कर सकते हो। करंटली फोल्डेबल फोन का जो इंप्लीमेंटेशन जो मेरे को जो बेस्ट लगा, जो मतलब अगर मैं सच बताऊं तो जो मोर जो चीज मेरे को प्रैक्टिकल लगी ना, वो गैलेक्सी फोल्ड को लगा था, और उस चीज को मैं एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर चुका हूं आज के मतलब दूसरे चैनल पर मैंने वीडियो डाला था। वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन मैं लिंक दे रहा हूं, एक बार वो वीडियो जाके चेकआउट कर लेना और समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली जो बेस्ट पॉसिबल इंप्लीमेंटेशन है और जो बेस्ट कंसेप्ट है ना किसी भी फोल्डेबल फोन का, वो एग्जैक्टली क्या हो सकता है। ये काफी अच्छा है, लेकिन काफी ज्यादा एक इनोवेटिव प्रोडक्ट लगता है देखने में, नो डाउट। उसमें कोई खास, उसमें कोई मतलब दो राय नहीं है, और मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब कि अगर इसे खरीदना है ना तो शायद उतना अच्छा नहीं लगता। मतलब कि अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन के वगैरह के बारे में बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि मोटोरोला ने इसे अपने से जो फोल्डेबल स्क्रीन होती है ना उसको सिर्फ शोकेस करने के लिए बनाया, क्योंकि स्पेसिफिकेशन ऐसे कोई खास नहीं है। मतलब कि इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 710 देखने को मिलता है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज देखने को मिलती है, 16MP का आपको कैमरा देखने को मिलता है, 5MP का इसके अंदर आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप ये स्प्लैश प्रूफ उन्होंने बताया है, ये इसके अंदर आपको 2500 mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल एक बेसिक सा फोन देखने को मिल रहा है। खास बात बस ये है कि इसे आप फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा कंसेप्ट अच्छा है, लेकिन अगर आपको कहीं भी फोन को अगर यूज करना है तो हमेशा आपको उसको फोल्डेबल डिस्प्ले का ही यूज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली डिस्प्ले इसमें प्रोटेक्ट हो जाएगा। ड्यूरेबिलिटी की अगर एक बात हटा दे तो इनिशियली कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकल मेरे को नहीं लगा। मतलब सच बात बताना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल। अगर इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो अराउंड $1500 इसकी जो प्राइस है ना वो है USA के अंदर, और बहुत ही जल्दी ये जो प्रोडक्ट है ना आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। मतलब कि अगर ऑलरेडी बात करें तो जो मोटोरोला इंडिया का जो ट्विटर हैंडल है वो ऑलरेडी इसकी इमेजेस उसको टीज करना चालू कर दिया, बहुत ही जल्दी प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है इंडिया में, और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की इससे कीमत हो सकती है। और ऑब्वियसली इस फोन को शायद बनाने में कम खर्चा आ रहा है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी फोल्ड, तो इसकी कीमत कम होगी। ऑब्वियसली स्क्रीन का साइज छोटा है, गैलेक्सी फोल्ड में जो फोल्डेबल स्क्रीन थी वो ज़्यादा बड़ी थी, उसका जो कंसेप्ट था, फॉर्म फैक्टर था, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, ये थोड़े अलग टाइप की चीज़ है। लेकिन देखा जाए तो मेरे को लगता नहीं कि ये शायद इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। देखने में सुनने में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, तो एक छोटी सी लगी। मतलब कि और काफी अच्छी चीज है कि आपको ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या रहता है। वैसे सच बता रहा हूं, मतलब मेरी बात आप मान के रखिए, इस टाइप के फॉर्म फैक्टर में आपको ज्यादा फोन्स देखने को नहीं मिलेंगे, और ये वन ऑफ द रेयर फोन्स में से एक हो जाएगा। अगर आप फोन को कलेक्ट करने के शौकीन और रखना चाहते हो अपने पास कोई यूनिक फोन जो कि आगे चल के इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं रहे और काफी ज्यादा यूनिक रहे, तो ये एक फोन काफी अच्छी चीज हो सकता है। चलिए इसके बाद एक और बात करते हैं, वो बात करते हैं काफी एक अच्छी चीज के बारे में, जो कि होने वाली है होल एनर्ड डिस्प्ले। यानी कि अगर मैं बात करूं होल पंच डिस्प्ले की, तो 2019 में आपको काफी फोन्स में देखने को मिला, लेकिन जो होल एनर्ड डिस्प्ले यानी कि पंच होल वाली जो टेक्नोलॉजी ना,
वो अभी सिर्फ और सिर्फ सैमसंग के पास है एमोलेड डिस्प्लेस के अंदर, और सबसे अच्छा होल पंच का जो सेटअप और इम्प्लीमेंटेशन है ना वो सैमसंग ही करता है। और 2020 में आपको बहुत सारे ऐसे फोन्स देखने को मिलने वाले हैं जिनके अंदर आपको होल इन अ डिस्प्ले वाली टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, यानी कि पंच होल जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। और अगर एक बात बताऊँ तो जो होल का जो साइज़ है ना वो पहले से ज़्यादा छोटा हो रहा है। इवन पहले क्या था कि नॉच के बराबर साइज़ हो रहा था होल का, लेकिन अब जो होल क्रिएट कर रहे हैं कैमरा के लिए उसका साइज रिड्यूस होते होते 3 मिलीमीटर तक पहुंच गया। एक मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू बताना चाहूंगा कि गैलेक्सी नोट 10 प्लस जो रहता है ना उसके अंदर आपको 4.5 mm डायमीटर का वो देखने को मिलता था पंच होल डिस्प्ले, लेकिन अब आने वाले समय में चीज 3 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर तक हो सकती है। और आपको बहुत सारे ऐसे फोन्स देखने को मिलने वाले हैं, मतलब कि अगर हम बात करें कि पॉपअप कैमरा आपको बहुत सारे देखने को मिले 2019 में, 2020 में आप बांध के रखिए कि बहुत सारे आपको पंच होल वाले फोन्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि पंच होल का साइज बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रिड्यूस होने वाला है। अभी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है दूसरे फोन्स के अंदर, सैमसंग का इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, लेकिन इंप्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आने वाला है। चलिए अब बात करते हैं एप्पल की न्यूज़ से, क्योंकि एप्पल ने अपना एक लेटेस्ट जो एप्पल का 16-inch मैकबुक होता है ना उसे मतलब इंडिया में क्या ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। और अगर इसकी खास बात माने तो उन्होंने का जो 15-inch वाला वर्जन था ना उसे पूरा हटा के 16-inch वाले मैकबुक को लिया है, और इसके अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं मतलब कि एक हेक्साकोर कोर i7 ले लो या फिर 8 कोर कोर i9 ले लो। और सच बता रहा हूँ मतलब मेरा मन तो ऑब्वियसली लेने का, लेकिन अभी तो मतलब मैं विंडोज़ गाई हूँ और मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि 2 लाख रुपए के हिसाब से कुछ ज़्यादा महंगी चीज़ है, मतलब एंट्री लेवल प्राइस ही 2 लाख रुपए के अराउंड है और 2,39,000 तक ये जाता है अब क्या हायर मॉडल था, मतलब 2 ही मॉडल इसके इंडिया में निकाले हैं और इंडिया में आप इनको ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, एप्पल कुछ ज़्यादा ही मतलब चार्ज कर रहा है, लेकिन देखते ही क्या होता है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि एप्पल का मतलब मेरे को लगा था कि एप्पल जो यूज़र्स को इतना सुनती नहीं है, लेकिन एप्पल के जो नए वाले जो मैकबुक प्रो है ना वो लग रहा है कि यूज़र्स को उन्होंने सुना है, क्योंकि लोग चाहते थे एक बड़ा अच्छा डिस्प्ले हो तो बड़ा डिस्प्ले उन्होंने दे दिया। लोगों के उसके कीबोर्ड से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो पुराने मैकबुक प्रोज में जो कीबोर्ड का जो लेआउट डिज़ाइन था ना उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया, ज़्यादा पावरफुल हार्डवेयर चाहते थे उन्हें ज्यादा पावरफुल हार्डवेयर दिया है। लेकिन वही एप्पल है, अगर वो चीज कुछ बनाएंगे तो उसके लिए ज्यादा चार्ज करेंगे, तो ऑब्वियसली वो कर रहे हैं। बस देखते हैं कि इसके अंदर कोई खास और कोई क्रिटिकल इशू ना हो, क्योंकि अगर मैकबुक्स के साथ मतलब कभी कभी थोड़ी बहुत दिक्कतें आई जाती है इनिशियली, और फिर लोगों को रिपेयर करवाना मतलब मैकबुक को थोड़ा रिपेयर करवा पाना ना थोड़ा सा ज्यादा महंगा हो जाता है, तो वो एक डाउनसाइड हो जाता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके साथ अगर बात करें ना तो एक यूट्यूबर है उसको जेल हो गई। एग्जैक्टली मैं पूरा इंसिडेंट बता देता हूं कि बेंगलुरु में कोई यूट्यूबर है वो एक्चुअली प्रैंक कर रहा था, घोस्ट वाला प्रैंक, और उसने किसी ऑटो वाले के साथ किया, ऑटो वाले को वो चीज़ पसंद नहीं आई और उसने उसकी पुलिस में कंप्लेंट कर दी और उसे पुलिस वाले उठा के जेल ले गए। तो इसका मतलब ये है कि मतलब कि अगर आप लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो कुछ भी करना चाहते हो ना तो फेम और इन सब व्यूज़ वगैरह के लालच में मतलब कुछ ऐसे गलत काम ना कर दो कि आप लोगों को सड़क पर चलते हुए लोगों को डरा रहे हो। और अगर इस यूट्यूब चैनल का नाम जाने और अगर इस यूट्यूब चैनल की बात करें तो ये कुकीपीडिया नाम से एक यूट्यूब चैनल है, ये एक्चुअली साउथ इंडियन बेस्ड यूट्यूब चैनल है और ये घोस्ट प्रैंक्स वगैरह करता है। लेकिन पहली बार कुछ देख रहे हैं कि आपको ऐसी चीजें देखने को मिली और काफी सारे लोग हो गए, देखते हैं कि क्या होता है इसका। मतलब कि ओवरऑल लोगों को समझ में आना चाहिए कि हर चीज लोगों से मतलब इस तरीके से मतलब प्रैंक वाली जो चीज़ है ना लोगों से इस तरीके से सड़क पर खड़े होकर मजाक नहीं कर सकते। कई बार कुछ जो मजाक होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाते हैं, और देख के ऐसा लग रहा है कि YouTube वीडियो बनाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ कर दी है मतलब। और इसके बाद बात करें तो मैंने आपको बताया था TikTok के बारे में कि किस तरीके से जो Instagram है ना वो Instagram रील वाले फीचर को ले आई है जैसा वो TikTok पे होता है। और एक और खास और इंटरेस्टिंग बात पता चली वो ये कि TikTok पे एक सीक्रेट यूजर है जो कि हो सकता है मार्क जकरबर्ग। मतलब कि TikTok पर एक ID अगर आप चाहे तो उसे सर्च कर सकते हो, उसका नाम है @FINKD। अगर ये आईडी नहीं पता तो ट्विटर पर जो यूजर हैंडल है ऑफिशियली मार्क जकरबर्ग का, उसकी भी यही आईडी है। और अगर आप इसके टिकटॉक वाले अकाउंट पर जाते हो तो वहां पे आपको मार्क जकरबर्ग की फोटोग्राफ देखने को मिलती है। जो इंस्टाग्राम अकाउंट जो लिंक्ड है ना अगर आप उस पर टैप करते हो तो वो ले जाता है मार्क जकरबर्ग के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर जो कि वेरीफाइड है, लेकिन टिकटॉक वाली चीज वेरीफाइड नहीं है। और इस अकाउंट से जिन लोगों को फॉलो किया गया ना सबके सब वेरीफाइड यूजर्स है। और खलोको का तो ये भी कहना है कि ये जो सीक्रेट यूजर है ना शायद ये खुद मार्क जकरबर्ग हो सकते हैं और सीक्रेटली टिकटॉक को यूज करो
और टिकटॉक को देख रहे हैं कि एग्जैक्टली वो चीज़ काम कैसे करती है। मतलब कि आईडी बना के छोड़ दी उन्होंने टिकटॉक पर भी, जिससे उन्होंने ट्विटर पर बना के छोड़ दिया, लेकिन फिर भी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मतलब क्या होता है इसका मतलब? और हो भी सकता है ये चीज़ फेक हो, मतलब कि कंप्लीटली फेक हो सकता है, इस बात की कोई भी अभी गारंटी नहीं है। अभी ऑफिशियली मार्क जकरबर्ग की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्ड नहीं आए, लेकिन ये जो हिंट्स मिले हैं ना, इसको देख के लगता है कि क्या पता चीज़ रियल भी हो सकती है। क्योंकि ट्विटर पर भी वो है, लेकिन ट्विटर पर मार्क जकरबर्ग ऑफिशियली इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि ट्विटर को वो ओन नहीं करते, टिकटॉक को वो ओन नहीं करते। तो उन्हें भी लगता हो कि टिकटॉक पर बस आईडी बना के छोड़ दिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये चीज़ रियल हो और आने वाले टाइम में जो टिकटॉक है वो उनके आईडी को वेरीफाई कर दे। वैसे आप लोग क्या लगता है कि मार्क जकरबर्ग क्या सच में टिकटॉक पर है क्या? ये बात आप मुझे कमेंट में बताना ना भूलना। चलिए बात करते हैं आपके कुछ और कमेंट्स के बारे में। तो पहला कमेंट पूछा है ना साइकर दत्ता ने, वो पूछ रहे हैं कि विच इज़ बेटर, पोको F1 और रेडमी नोट 8 प्रो? ठीक है, चलो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि Redmi Note 8 Pro, Poco F1 ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में आ जाते हैं। मतलब Poco F1 सेल में 15-16 हज़ार में मिल जाता है। तो जनरली अगर बात करें तो अगर आपको गेमिंग करनी है, परफॉर्मेंस चाहिए ना, तो ऑब्वियसली Poco में आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, कोई डाउट नहीं। स्नैपड्रैगन 845 लास्ट ईयर की फ्लैगशिप चिप है, बहुत अच्छे से गेमिंग है, हैंडल कर लेगा, परफॉर्मेंस कमाल की देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं बात करें लुक्स की, ऑब्वियसली Redmi Note 8 Pro में आपको ज़्यादा अच्छे लुक्स देखने को मिलेंगे। दूसरी बात करें कैमरास की, तो ऑब्वियसली कैमरा के टर्म से मैं ओवरऑल रखना चाहूँगा Redmi Note 8 Pro को, क्योंकि Redmi Note 8 Pro में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। मतलब कि आपको मैक्रो लेंस, वाइड एंगल लेंस देखने को मिल रहा है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है। ये कुछ जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ा बेटर बना देती है Redmi Note 8 Pro को, इसलिए वो एक लेवल ज़्यादा ऊपर हो जाता है। तो बात अब यही भी है, अगर आपका यूजर गेम ज़्यादा खेलना है तो मेरी नज़र में Poco F1 इज़ अ बेटर चॉइस। अगर आपको गेम नहीं खेलना, अगर आपको ओवरऑल एक डिसेंट पैकेज चाहिए जो देखने में अच्छा लगे, तो Redmi Note 8 Pro इज अ गुड चॉइस। बाकी आपका ओपिनियन है, तो मेरे को लगता है कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और अगला सवाल पूछा चिंटू भाई ने, वो पूछ रहे हैं कि बेस्ट स्ट्रीमिंग सर्विस पर वीडियो, मतलब वो पूछ रहे हैं कि Amazon Fire TV Stick वर्सेज Amazon Fire TV Stick 4K वर्सेज Airtel Extreme Stick वर्सेज Marque Turbo Stream वर्सेज Tata Sky Binge वर्सेज Airtel Stream Box वर्सेज Dish TV वर्सेज Dish TV Smart Hub पर भी, मतलब उनका कहना है कि वीडियो बनाने का, लेकिन एग्जैक्टली वीडियो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इन सबको यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर मैं आपको एक वेग आइडिया दे दूं, कि एक रफ आइडिया आपको देना चाहता हूं कि आप किस तरीके से बता सकते हो, मतलब मेरी चॉइस ये रहेगी कि आप Amazon TV Fire TV Stick 4K लें, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, उसमें 4K कंटेंट भी चलता है, वो नेटफ्लिक्स से 4K भी सपोर्ट करती है और प्राइम वीडियो से भी 4K, और उसके अंदर HDR10 Dolby Vision Dolby Atmos S टाइप की टेक्नोलॉजीज का इंप्लीमेंटेशन किया गया है। तो बेस्ट बैंक फॉर द बक तो Amazon Fire TV Stick 4K है। Airtel Extreme Stick Marque का तो नाम लेने ही नहीं, क्योंकि वो फ्लिपकार्ट की है, सर्विस वगैरह कैसी होगी पता नहीं। एयरटेल एक्सट्रीम स्ट्रिक है, लेकिन वो ऑब्वियसली अगर आप एयरटेल के यूजर हो ना तो ही आप उसे लेना। अगर आपको जनरली केवल स्ट्रीमिंग ही करनी है ना, तो मेरे हिसाब से फायर टीवी स्टिक 4K इज अ गुड चॉइस, मतलब कि इंडिया में बेस्ट सेलर हो जाती है। नॉर्मल फायर टीवी स्टिक भी अच्छी है, 4K वाले की परफॉर्मेंस अच्छी है, और 1080p टीवी है ना तो भी उसे लेना रिकमेंडेड है, क्योंकि परफॉर्मेंस आपको थोड़ी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। और मेरे पास भी फायर टीवी स्टिक 4K, तो मैं कहूँगा कि इतने सारे ऑप्शंस है ना फायर टीवी स्टिक 4K, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड है, काफ़ी सारे लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, अमेजन का सपोर्ट है, प्राइम वीडियो है, सारी ऐप्स अवेलेबल है उसके अंदर, मतलब बेसिक काम के लिए सही है। बाकी तो ऐसी ही है, मैं सच बता रहा हूँ। एयरटेल Marque, अगर मैं टाटा स्काई, मतलब टाटा स्काई बिंच तो वो फायर टीवी स्टिक का एक स्पेशल एडिशन है, अगर आप टाटा स्काई यूज़र हो तो उसे वो ले सकते हो। लेकिन अगर मैं एयरटेल एक्सट्रीम डिश टीवी सबको अगर मैं बताऊँ ना, तो एक्चुअली चाइनीज रीब्रांडेड है, चाइना से फायर टीवी ये जो स्टिक्स होती है, स्ट्रीमिंग स्टिक्स या स्ट्रीमिंग बॉक्सेस होती है, चाइना से मंगाते हैं, अपना लोगो लगा के बेच रहे हैं, कोई R&D वगैरह नहीं है। Amazon ने R&D वगैरह करी है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स पे काम करे अलेक्सा के साथ, मतलब इस टाइप की चीज़ों में मुझे थोड़ी Amazon की जो फायर टीवी स्टिक है ना वो थोड़ी ज़्यादा पसंद आई है। और 1080p टीवी के लिए मेरे हिसाब से सही होगी, और फ्यूचर में अगर 4K टीवी लेते हैं और उस 4K टीवी पे और अच्छा 4K कंटेंट देखना है, जो आपको कई बार टीवी की इनबिल्ट ऐप्स प्रोवाइड नहीं कर पाती, तो उस चीज़ के लिए भी बेटर हो सकता है। तो मेरी नज़र में फायर टीवी स्टिक 4K इज़ अ गुड ऑप्शन। तो मेरे को लगता है कि आपकी जो क्वेरी है, जो कन्फ्यूजन है, और ऐसा कन्फ्यूजन काफ़ी सारे लोगों का होता है, तो वो लगता है क्लियर हो गया होगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है कि अगर आपको, अगर सच में अगर एयरटेल एक्सट्रीम या जो आपकी डिश टीवी की है या फिर जो भी चीज़ है, अगर आपको सच में पसंद आ रही है, उस पर अगर अच्छी डील मिल रही है, तो आप उसके ऊपर भी जा सकते हो, कोई रोक नहीं है उसके ऊपर भी। तो मेरे को लगता है कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, सवाल है, तो बढ़िया बढ़िया सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ डालो।
लोग मैंने देखा काफ़ी अच्छे तरीके से बात करते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स के लोग रिप्लाई करते हैं, लोग क्वेरी सॉल्व करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप लोग ऐसे ही करते रहिए, मैं आपको मिलता हूँ कल आपके ऐसे ही किसी वीडियो के अंदर। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।